हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हमें शुरू करना है एक्सरसाइज 2.4। और 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें जो सबसे पहले टॉपिक समझना है वो है फैक्टर थ्योरम, यानी कि गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, ये टॉपिक जो है इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 2.4 है। तो हम इसको समझते हैं कि क्या होता है गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम, और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं क्या होती है, उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। तो लिखा है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए इज एनी रियल नंबर, कि px नाम का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको क्या दे रहा है कि px नाम का एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो एक है या तो एक से ज्यादा है। जिसकी डिग्री या तो एक है या एक से ज्यादा है। डिग्री मतलब क्या है? पावर। मैंने बता रखा है आपको, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है। और कह रहा है ए कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नेचुरल, होल, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मिला के किसमें आते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से। देन क्या होगा कि x माइनस ए, अगर पी एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है। देखो मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल लेके, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं, और ये समझ लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई स्कूलों में तो आप लोगों को या कई जगहों पे ऐसा होता है कि फैक्टर थ्योरम बताई नहीं जाती, आपको डायरेक्ट एक ही मतलब तरीका करा दिया जाता है और फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट को कोई नहीं समझाता। मैं आपको समझा रहा हूं तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, कह रहा कि पी एक्स नाम का एक पॉलिनोमियल है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये रहा हमारे पास पी एक्स। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 2x+4। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया 2x+4, कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। कह रहा है इसकी डिग्री या तो वन है या तो वन से बड़ी है। मैंने यहाँ पे डिग्री वन ही ले रखी है। डिग्री मतलब इसकी पावर। अरे इसकी पावर मैंने यहाँ पे कितनी ले रखी है, वन। जब ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा तो मतलब पावर कितनी है, वन है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है, और मेरे पास एक रियल नंबर है ए, मेरे पास एक रियल नंबर है क्या, ए। ठीक है, तो मैंने कोई भी रियल नंबर ले लिया, मैंने रियल नंबर ले लिया मान लो टू, या मैंने रियल नंबर ले लिया -2। ठीक है, -2 ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। ठीक है, ए मेरे पास एक ऐसा रियल नंबर, एक रियल नंबर है। तो कह रहा है कि ये रियल नंबर ना को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे x माइनस ए फॉर्म में, मेरे पास ये पहले से ही नंबर है, ये हमारे लिए क्या है, ए। हमने माना कि ये ए हमारा कितना है, -2। तो कह रहा है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। x माइनस ए यानी x माइनस ए, ए की जगह आपने -2 ले रखा है, तो ये बन जाएगा x माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +2। कह रहा है कि ये इसका एक फैक्टर होगा, ये इसका एक फैक्टर होगा अगर आप यहां पे x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करते हैं, -2, और अगर 0 आ जाता है। ठीक है, यानी अगर ये वैल्यू पुट करने पे इसमें 0 आ जाता है तो x माइनस ए, x माइनस ए को हमने फॉर्म में चेंज किया तो ये बन गया x+2, ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चेक करें क्या इसको रखने पे इस पे 0 आता है, जैसे p ए की जगह क्या रखना है हमें, -2। तो चेक करेंगे 2 -2 +4, -4 +4, यानी कि कितना आ गया, 0। ये 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि x माइनस ए, x x कोई भी मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल ले रखा है हमने x, वही x है। ये मत पूछना x कहाँ से आ गया, x तो यहीं से आया, मतलब एक वेरिएबल हमारे, हमें थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि x माइनस ए पहले से ही -2 था। अब आप ये मत बोलना कि ये प्लस कैसे बन गया, अरे ये पहले से ही -2 था, और ये हमारे को जो थ्योरम में माइनस बोला हुआ है ये वो वाला माइनस है, थ्योरम का माइनस ये वाला माइनस है, और ये माइनस इसके साथ पहले से था, तो माइनस माइनस मिल गया, क्या बन गया, प्लस। तो x+2 जो होगा इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूं अभी फिर से। एक बार पहले आप इसको नोट कर लो,
पहले नोट कर लो अच्छे से, फिर हम समझते हैं एक बार इसको ढंग से, दोबारा से समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो एक बार फिर से समझते हैं हमें क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक पीएक्स नाम का फैक्टर, मतलब हमारे पास पॉलिनोमियल है, मैंने एक पीएक्स नाम का पॉलिनोमियल ले लिया और कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लिया, जरूरी नहीं है यही, हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। और मेरे पास एक कोई नंबर है, जैसे मैंने नंबर ले लिया -2, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मैं ये वैल्यू ना इसमें पुट कर दूं, ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं, और पुट करने पे कितना आ जाए, 0, पुट करने पे कितना आ जाए, 0, तो एक्स माइनस ए, ए पहले से ही -2 लिखा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होती तो यहां पे माइनस आता, ठीक है। तो एक्स माइनस ए वाला जो हमारे पास नया पॉलिनोमियल बनेगा ना, वो इसका फैक्टर होगा। तो जैसे मैंने यहां पे एक्स माइनस ए किया, तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस, तो एक्स प्लस टू इसका फैक्टर बन गया, ठीक है। मैं कोई और वेरिएबल लेके देखता हूं, जरूरी नहीं है कि -2, चलो यहां पे तो मेरे को फैक्टर ही आपको बताना था, तो मैंने -2 लिया, ठीक है। अगर मैं कोई और नंबर लेके देख लेता हूं, 1 लेके देख लेता हूं, तो क्या 1 रखने पर ये 0 आ जाता है? तो यही आपको चेक करना है कि फैक्टर कभी कोई कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो अगर हम इसमें 1 रखते हैं, अगर इसमें हम वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमको देखना है कि क्या 1 रखने पे ये इसका फैक्टर बनता है या नहीं, ठीक है। अगर 1 रखने पे इसका फैक्टर बन जाता है, तो देखते हैं 1 रख के पहले, ठीक है। अगर 1 रखने पे 0 आ जाता है तो उसका फैक्टर बन जाएगा, देखो 2 × 1 + 4, यानी 2 × 2 + 4, 6, 0 आया क्या? तो आप कहेंगे 0 नहीं आया। तो क्योंकि ये 0 नहीं आया, इसलिए अगर आप a की वैल्यू 1 लेते, a की वैल्यू क्या लेते, 1, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनता, x माइनस 1। अरे x माइनस a वाला पॉलिनोमियल बोला ना, तो आपने अगर a को क्या लिया है, 1, तो आपका पॉलिनोमियल क्या बनता, x माइनस 1। ये इसका फैक्टर नहीं होता, ये इसका फैक्टर नहीं है। 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यही कहना चाहता है हमारा फैक्टर थ्योरम कि अगर आपने जो ए लिया है इसको यहां पे पुट करना करते हैं, और पुट करने पे 0 आ जाता है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ये थी इसकी पहली स्टेटमेंट, और दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, देखो हिंदी में भी वही लिखा है, पहले मैं हिंदी में समझा दूं फिर मैं दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। देखो वही हिंदी में लिखा है, यदि px घात n बड़ा है या बराबर है 1 के, ग्रेटर देन और इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, कि अगर n ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के, 1 के वाला एक बहुपद है, px एक बहुपद है, ठीक है ना, जिसकी डिग्री 1 है या उससे ज्यादा है, और a कोई भी वास्तविक संख्या है, a कोई भी नंबर है, ठीक है। तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि p a बराबर है 0, यानी p के अंदर, ये पॉलिनोमियल के अंदर a की वैल्यू रखेंगे, और अगर 0 आ जाए तो x माइनस a इसका गुणनखंड बन जाता है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकेंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का उल्टा बोल रहा है, कि इसमें क्या बोला, एक्स माइनस ए फैक्टर बन जाएगा अगर पी ए बराबर कितना हो, 0। और दूसरे में बोल रहा है कि अगर एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है, पहले से ही दे रखा है कि उसका फैक्टर है, तो ए की वैल्यू उसमें पुट करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें क्या था, अगर ए रखने एक मतलब पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू रखने पे 0 आ जाता है, तो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर बन जाएगा। और सेकंड में बोल रहा है कि अगर एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है, पहले से ही बोल दिया, ये बात आपको पहली बता दी कि एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है, तो ए रखने पे, पॉलिनोमियल में वैल्यू ए रखने पे वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो इसका बिल्कुल रिवर्स बात इसमें पूछी बोली गई है कि अगर ये पहले से ही फैक्टर दे रखा है एक्स माइनस ए, तो एक्स ए वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये दोनों जो तरीके हैं आप किस में इस्तेमाल करते हैं, आप ये चीज पता लगाने में करते हैं कि फैक्टर है या नहीं। आपने ये चीज अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी करी थी, ठीक है, जो 2.3 का आपने लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि चेक करना था कि जो एक पॉलिनोमियल दे रखा था वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपने यही किया था।
अरे यही तो किया था कि आपने आपके आपको क्या दे रखा था वहां पे, पी एक्स और जी एक्स। हम भी तो यहां पे वही कर रहे हैं, यहां पे भी तो हम वही कर रहे हैं, पी एक्स और जी एक्स। एक पॉलिनोमियल आपको पी एक्स तो दे ही रखा है, और ये वाला जो है आपके लिए क्या बन जाएगा, जी एक्स। ये आपके लिए क्या है, ये जी एक्स है। अरे पिछले एक्सरसाइज में आपने किया तो था कि जी एक्स को आप जीरो के बराबर रखते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप जी एक्स, अगर आपके पास एक्स माइनस ए है मान लो यहां पे, और मैंने बस बोला कि लेट जी एक्स इजिकल टू जीरो, आपने किया था ना ये पिछले एक्सरसाइज में, भूलना मत। वही चीज है, बस शब्दों में लपेट दिया और कोई चीज नहीं है, ये वही चीजें हैं जो आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो इसके इससे डरने की या इससे इसको समझने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज है जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में करी है। तो ये x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो सिंपल है, हम वही तो करते थे, x की जो भी वैल्यू आती थी पी एक्स में पुट करते थे। यहां भी जो x की कोई भी वैल्यू आ रही है, यहां की x की वैल्यू क्या आ रही है, a। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, a। और आपने क्या चेक करना था कि अगर जो वैल्यू आपने पुट करी है वो अगर जीरो के बराबर आ गई, तो ये जो होता था जी एक्स जो होता था वो पी एक्स का फैक्टर होता था। यहां पे भी तो वही हो रहा है, अगर ये ए वैल्यू पुट करने पे जीरो आ जाता है तो जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आता है तो जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं है। तो बस यही चीज है, और इसी चीज को हमें आगे समझना है। तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट समझ ली, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। बिल्कुल वही चीज है, आपने पहले किया हुआ है, इसको एक्स्ट्रा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो मैं सीधा इसके क्वेश्चंस पे चलता हूं और हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड 2x plus 4। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये x plus 2 जो है वो इस वाले पॉलिनोमियल का और इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो ये तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, अरे पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था ना कि कैसे चेक करते फैक्टर है या नहीं। इस बार हमें फिर से बोल दिया, और इस बार ज्यादा ज्यादा हमें क्या बोल देगा, इस वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं है पर हो सकता है लिख दे कि भाई बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से पता लगा के दिखाओ। अरे आपके सामने चाहे फैक्टर थ्योरम लिखे चाहे ना लिखे, आप वही करते हैं, ठीक है। आपने जो पिछले एक्सरसाइज में भी किया ना, आपको ना पता होते हुए भी आपने फैक्टर थ्योरम का ही इस्तेमाल किया। उसमें आपने क्या किया, पी जो भी जी एक्स को जीरो के बराबर लेट करके और एक्स की वैल्यू निकाल के पुट किया, अगर जीरो के बराबर आता है तो फैक्टर है, अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। वही तो है फैक्टर थ्योरम, तो हम यहां पर वही कर रहे हैं, और इसमें भी हमें वही करना है। ये हमारे लिए जी एक्स बन जाएगा, तो पी एक्स हमारे लिए है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। दूसरे वाले को बोल दो क्यू एक्स, वो है टू एक्स प्लस फोर, और आपके पास है जी एक्स, वो है एक्स प्लस टू। अकॉर्डिंग टू एक लाइन लिखनी है बस आपको, फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, या आप सीधा लिख देना, आप जैसी स्टेटमेंट उसमें लिखी हुई है ना एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए वाली, वो लिख देना, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए बराबर क्या हो, जीरो के। एक्स माइनस ए फैक्टर होता है पी एक्स का अगर पी ए बराबर किसके होगा, जीरो के, ठीक है। तो यहां पर बस ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है दो लाइन, जो आपने पिछले एक्सरसाइज में नहीं लिखी थी। ये स्टेट आपको अगर फैक्टर थ्योरम से करना है तो ये दो स्टेटमेंट लिख देनी है, उसके बाद आपको पता है कि ये जो x प्लस टू है यही आपका x माइनस ए है। तो ये x जी एक्स जो है आपका वही आपका x माइनस ए है, यानी कि जो इधर x प्लस टू है वही आपका क्या है, x माइनस ए, ठीक है। या आप इधर ऐसे लिख लेना x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस टू, तो x से x कट गया, माइनस ए इज इक्वल टू टू, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू, ठीक है। तो आपका जैसे आपने लास्ट पिछले एक्सरसाइज में क्या किया था, आपने किया था लेट, उसमें आपने लेट किया था जी एक्स इजिकल टू जीरो के, तब भी आप वही निकालते थे x की वैल्यू, ठीक है। यहां भी आपकी वही आई है वैल्यू, अब आपको क्या करना है, पी ए पुट करना है, यानी कि पी माइनस टू पुट करना है, और माइनस टू पुट करने पे क्या आ जाएगा,
तो जो पूरी एक्सरसाइज है, सॉरी पूरा जो ये पॉलिनोमियल है, इसमें आपको जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे माइनस टू पुट करना है। तो आप देखेंगे माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। तो आपने जब ये पुट किया तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी देखेंगे, मैं यहां करा रहा हूं साइड में। तो देखेंगे माइनस टू का क्यूब कितना होता है, माइनस का एट, ठीक है ना। अरे माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू कितना होता है, दो दुनी चार दुनी आठ, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस एट। फिर माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का फोर। देखेंगे माइनस टू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो टू टू जा फोर और माइनस माइनस प्लस, और जब ये फोर इस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, ट्वेल्व, प्लस का ट्वेल्व। फिर माइनस का फाइव टू जा टेन और प्लस का सिक्स। देखेंगे प्लस का ट्वेल्व एंड प्लस का सिक्स कितना होता है, प्लस का एटीन। माइनस का एट एंड माइनस का टेन कितना होता है, माइनस का एटीन। तो प्लस एटीन माइनस एटीन कितना आ गया, जीरो। यानी आपका पी ए कितना आ गया, जीरो। अरे यही तो हमारा था कि अगर पी ए बराबर कितना आ जाए, जीरो, इसका मतलब एक्स माइनस ए जो होता है फैक्टर होता है पी एक्स का। देयर फोर आपका एक्स माइनस ए क्या था, एक्स माइनस ए की जगह आपका क्या लिखा होता है, एक्स प्लस टू। देयर फोर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे कुछ नहीं किया हमने इसमें, वही जो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है ये लिखा हुआ है, जिससे आपको चेक करना है वो लिखा हुआ है। आपने फैक्टर थ्योरम लिख दी कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स अगर पी ए बराबर क्या हो, जीरो। तो आपने एक्स माइनस ए को यहां पे इसके इक्वल रखा, ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू, और माइनस टू को इसमें पुट कर दिया। अगर पुट करने पे जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, पुट करने पे जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज है ये, अकॉर्डिंग टू हमने फैक्टर थ्योरम किया, और बिना फैक्टर थ्योरम के भी हमें ऐसे ही करना है, बस हमें ये लाइनें नहीं लिखनी। एक बार मैं बिना फैक्टर थ्योरम के भी आपको बता देता हूं, पर वो एक तरह से फैक्टर थ्योरम ही है, ठीक है, बस हमने उसको पहले जैसे किया हुआ है तो हम चाहे तो एक ही फ्लो में कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो मैं एक बार वैसे भी करा देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं कराता हूं इसके आगे। चलिए एक बार हम ना बिना फैक्टर थ्योरम के, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे, उस तरीके से करके देखते हैं। उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने बताया था आप लेट कर लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू जीरो के। देखो वही चीज कर रहे हैं हम, तो एक्स प्लस टू बराबर किसके आ गया, जीरो के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। अभी आपने ए निकाला था वो भी कितना आया था, माइनस टू, यहां भी कितना आया, माइनस टू। तो बिल्कुल वही चीज है। और फिर आपको क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन पी एक्स। होता क्या है ना, जो हम एक बार सीख लेते हैं ना, हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप अगर ये वाला सीख लिया आपने तो आप इसमें कंफर्टेबल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि फैक्टर थ्योरम से करो, बाई चांस आ गया तो करना ही क्या है, दो लाइनें तो याद रखनी है, ठीक है, वो याद रखना। तो अगर वैसा लिखा हो कि फैक्टर थ्योरम से करो तब कर देना, पर मैंने आज तक कभी एग्जाम में आते हुए नहीं देखा कि वहां पे क्लियरली लिखा हो कि फैक्टर थ्योरम से ही करना है, तो ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा। बस आपको चेक करने के लिए अगर बोला जाता है कि फैक्टर है या नहीं है, आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर थ्योरम लिखना चाहते हो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे कर देना, नंबर कहीं नहीं कटने वाले, ठीक है, और बहुत ही आसान है ये। तो आपने पिछले एक्सरसाइज में सीख ही लिया है। अब आपको पुट कर देना है बस माइनस टू, जहां जहां पे एक्स लिखा है माइनस टू, तो ये बिल्कुल वही बन गया इसके आगे। तो अरे इसके आगे तो वही बन गया जो हमने अभी किया था। तो माइनस टू का क्यूब प्लस में थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस में फाइव इंटू में माइनस टू प्लस में सिक्स। माइनस टू का क्यूब हमारा माइनस एट आया था, माइनस टू का स्क्वायर फोर आया था, और फोर को थ्री से किया तो ट्वेल्व आया, माइनस टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का टेन और प्लस का सिक्स, ट्वेल्व एंड सिक्स एटीन, माइनस का एट और माइनस का टेन माइनस का एटीन, तो कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो। जीरो आ गया इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, देयर फोर जी एक्स जो है आपका एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर, और पी एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यानी ये इसका फैक्टर है। तो ये आपका पिछला तरीका जो आपने 2.3 में सीखा था, तो ये भी आप नोट कर लो एक बार इस तरीके से भी, और आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को नोट करिए आप।
तो पीएक्स के लिए कर लिया, अब हम एक और क्यूएक्स के लिए भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक और दे रखा है ना, हमें इसका भी तो चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो फिर से क्यूएक्स आपके सामने दे रखा है, जीएक्स भी आपको दे रखा है, आपका मन करेगा जिससे मन करे उससे कर लो, फैक्टर थ्योरम से मन करे फैक्टर थ्योरम से कर लो, नॉर्मल से करे नॉर्मल से कर लो। जैसे हम नॉर्मल से कर लेते हैं कि लेट जी एक्स इजिकल टू जीरो, फिर से वही एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो और एक्स की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, माइनस टू, पुट एक्स इजिकल टू माइनस टू इन क्यू एक्स, इस बार क्यू एक्स में रख देंगे तो क्यू माइनस टू, जहां जहां पे एक्स लिखा है वहां पर माइनस टू, तो टू एक्स, एक्स की जगह माइनस टू प्लस फोर, टू टू जा फोर पर माइनस का क्योंकि माइनस है और प्लस का फोर, माइनस फोर और प्लस फोर कितना आ गया जीरो, और जीरो आ गया इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स इजिकल टू टू एक्स प्लस फोर। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू क्यू एक्स टू एक्स प्लस चार का गुणनखंड है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे बस। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है, ये कर लिया हम लोगों ने, इसको नोट कर लो। और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो करने जा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, और उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस के प्लस फोर एक्स सॉरी माइनस फोर एक्स प्लस के। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर में, आपका एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा के की वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड करने वाला आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो ये जो आप ये वाला जो टॉपिक है ये आप जरूर अच्छे से समझ के करें। ठीक है ना, और है क्या, कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो हमने अभी तक करते आए हैं, बस उसमें हमें बस क्या किसी वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं या हम अपने नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप कौन से तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर थ्योरम से मन करे तो दो लाइनें लिख देना, अरे फैक्टर थ्योरम वही तो है जो हम करते हैं हर बार, जो हम करते हैं वो भी फैक्टर थ्योरम ही है, बस हम उसमें स्टेटमेंट्स नहीं लिखते। ठीक है, स्टेटमेंट लिख दोगे तो आप फैक्टर बोलोगे कि हमने फैक्टर थ्योरम से कर दी, तो आपका जिससे मन करे आप उससे करो, पर हमेशा एक तरीका अच्छे से याद रखो, हमेशा एक ही तरीका अप्लाई करना सीखो। ठीक है ना, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे ये लगा रहे हैं कहीं पे दूसरा लगा रहे हैं, तो हम फिर दोनों में से कोई एक भी याद नहीं रह पाती। फैक्ट मतलब आनी आपको दोनों चाहिए, पर आप लगाओगे हर जगह एक ही, बात समझ में आ रही है, ताकि आपकी स्पीड अच्छी बने, बाकी आना आपको दोनों चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में दूसरा तरीका मतलब आपको फैक्टर थ्योरम पूछ लिया पर आपको आता ही नहीं है, आपको एक ही चीज आती है। वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं है फैक्टर थ्योरम आते हुए अलग से एग्जाम में। ठीक है, यूनिट टेस्ट में आ सकता है क्योंकि वहां पे पर टॉपिक के ऊपर बात होती है, बट जब एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली फैक्टर थ्योरम के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, उसमें आपको डायरेक्ट बस ये बोला जाता है कि के की वैल्यू फाइंड कर दो। तो आप चाहे किसी भी तरीके से करें वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं, आप हर बार वही सीख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसी पे फोकस करें। ठीक है, हाँ जी, तो मैं आपको नॉर्मल तरीके से करा रहा हूं, आपके लिए यहां पे क्या है पीएक्स, पीएक्स आपके लिए क्या है फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, ये आपके लिए क्या है पीएक्स। और जीएक्स आपके लिए क्या है, जीएक्स आपके लिए है एक्स माइनस वन, जीएक्स आपके लिए क्या है एक्स माइनस वन। हमेशा हम क्या करते हैं जीएक्स को जीरो के बराबर मानते हैं, तो जी एक्स को जीरो के बराबर मानना यानी एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर मानना, और इससे एक्स की वैल्यू माइनस का वन है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई वन। अब जब हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो इसमें आपको दो लाइन और लिखनी पड़ती है जो आपने नॉर्मल तरीका सीखा है उससे अलग, और वो लाइनें क्या है आपको लिखना है, बिकॉज जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, आपको दे रखा है कि ये एक्स माइनस वन जो है उसका फैक्टर है, तो अब क्योंकि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है, इसलिए जब आप इसकी वैल्यू यहां पे रखते हैं ना
तो वो किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। और क्या यही जो हमने लिखा है, क्या ये फैक्टर थ्योरम नहीं है? फैक्टर थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? फैक्टर थ्योरम की सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये थी कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px pa का, सॉरी px का, देन pa बराबर क्या होता है, जीरो। अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो pa की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर gx इसका फैक्टर है तो आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो रखने पे क्या आना चाहिए, जीरो। तो एक्चुअल में हम फैक्टर थ्योरम ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये हम इसमें फैक्टर थ्योरम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने ये लाइन लिख दी कि gx अगर इसका फैक्टर है तो पी वन, सॉरी माइनस लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी यहाँ पे वन है, वन पी वन पुट करने पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये पूरी, इसमें आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, वन। तो 4 इंटू में 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। जहां जहां पे x लिखा था वहां वहां पे हमने 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा, 3। माइनस 4 बन जा कितना होता है, माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो आपकी k की वैल्यू आ गई। और ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको बड़े अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नोट कर दिए कीजिए इसको, फिर हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों, इसके आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो अपने अब जो है वो दूसरे टॉपिक से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर हमें फैक्टराइजेशन सीखना है। ठीक है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हमने अभी तक जो सीखा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको कोई 2 ही पार्ट कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करें तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो 2 पार्ट मैं इसके आपको करा रहा हूं, बाकी आप 2 खुद करेंगे। अगर आपसे होते तो अच्छी बात है, नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये इसमें से मैं कौन से 2 पार्ट करा दूं आपको, मैं आपको फर्स्ट एंड फोर्थ करा देता हूं, बाकी 2 पार्ट आप घर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन अ फैक्टर, कि एक्स प्लस वन इनमें से किसका एक फैक्टर है। तो इसमें आपको चेक करना है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं कि कैसे फैक्टर चेक करते हैं। अरे आपको एक्स प्लस वन को वही है, आपका फैक्टर थ्योरम लगाओगे तो ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। अगर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। और हमने जो अपना नॉर्मल तरीका सीख रखा है उसमें भी ये क्या बन जाएगा, जी एक्स। ये आपके लिए क्या है, जी एक्स। और जी एक्स को ही जीरो के बराबर पुट करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे, जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो वही तरीका हम फिर से अपनाने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं और फोर्थ पार्ट करा रहा हूं, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पी एक्स क्या है, पी एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एंड जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स है हमारे पास एक्स प्लस वन। और हम हमेशा यही करते हैं, क्या करते हैं कि जी एक्स को जीरो के बराबर लेट कर लेते हैं। तो यहां भी हमने जी एक्स को जीरो के बराबर लेट कर लिया, इसका मतलब एक्स प्लस वन किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। और जब आप वन को इक्वल के उधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वन की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वन। और हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। इस माइनस वन को हम किस में पुट कर देंगे, पी एक्स में। तो पुट करेंगे p माइनस वन, जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे हम माइनस वन पुट करेंगे। माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। माइनस वन का क्यूब कितना आएगा, माइनस वन। देखो मैंने ये बात हर बार आपको करा रहा हूं, जब भी पावर 3 होती है तो माइनस में आता है, इतना आप समझ लो। ये आपको बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े, ये बहुत बेसिक चीज है
कभी भी माइनस वन की पावर अगर एक ऑड नंबर होती है ना तो हमेशा कितना आता है माइनस वन, और माइनस वन की पावर हमेशा अगर कभी भी एक इवन नंबर होती है तो वो क्या आता है प्लस वन। तो जैसे थ्री एक ऑड नंबर है, तो थ्री एक ऑड नंबर है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा माइनस वन, क्योंकि आप तीन बार जब माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो वन को तो जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो वन ही आता है। हमें चेक करना है कि माइनस आएगा साथ में या प्लस। तो देखो दो बार तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और एक बार बच जाएगा जिसकी वजह से माइनस आएगा। और आप कोई सा भी ऑड नंबर ले लो, तीन की जगह पांच ले लो, सात ले लो, हमेशा एक माइनस बच जाएगा और उसी एक माइनस बचने की वजह से इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। और जब भी आप एक इवन नंबर लेते हो, माइनस वन की पावर कभी भी अगर आप एक इवन नंबर लेते हो, मान लेते हैं माइनस वन की पावर फोर, तो हमेशा क्या होगा वन को तो मल्टीप्लाई करके कितनी बार भी करो वन ही आएगा, और माइनस का हमेशा पेयर बन जाएगा। इवन लेने पे हमेशा माइनस का पेयर बन जाता है, और हमेशा माइनस और माइनस का जब पेयर बनाते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जिस वजह से पावर कितनी आ गई प्लस। तो अब आपको हम कभी भी ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस कैसे आ गया। आपको पता होना चाहिए कभी भी माइनस वाले नंबर की पावर ऑड हो तो माइनस में ही आएगा, और अगर पावर पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री है तो मैं डायरेक्ट अब लिख दूंगा माइनस वन। अब इसके बाद मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये माइनस कहाँ से आया है, ठीक है। तो माइनस वन, अब यहाँ क्या आएगा प्लस वन। आपने देखा पावर प्लस पावर जो है इवन है तो सीधी सी बात है प्लस का आएगा, फिर माइनस वन और प्लस वन। तो माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो हमारा क्या आ गया जीरो। तो ये माइनस वन पुट करने पे जीरो आ गया, और हमने क्या सीखा है कि जीरो अगर आ जाता है तो इसका मतलब है जी एक्स जो होता है वो पी एक्स का फैक्टर होता है। तो आपको लिख देना देयर फोर जो आपका जी एक्स है एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। और पी एक्स पूरा लिख देना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हिंदी में जी एक्स एक्स प्लस वन पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का गुणनखंड है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे जी एक्स एक्स प्लस वन पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का एक गुणनखंड है, सिंपल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, नोट कर लीजिए आप, मैं कराता हूं इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो आपको इसका जी एक्स सॉरी पी एक्स दे रखा है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। ये आपको पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, और जी एक्स तो आपका वही है जो सबके लिए जी एक्स सेम है ना, जी एक्स एक्स प्लस वन सबके लिए सेम है। तो इसमें भी वही करेंगे एक्स प्लस जी एक्स इजिकल टू जीरो तो एक्स प्लस वन इजिकल टू जीरो, और हर बार एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इसमें माइनस वन। और फिर से आपको क्या करना है वही पुट एक्स इजिकल टू माइनस वन इन पी एक्स, इसको पुट करना है। तो पुट कर देंगे आप p माइनस वन, जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस में माइनस वन का स्क्वायर माइनस में टू प्लस रूट टू इंटू में माइनस वन प्लस में रूट टू। रूट देख के घबराना नहीं है कि यहां पे रूट आ गया तो ये कैसे करेंगे, इजी रहता है, ठीक है। बस आपको प्लस माइनस का पता होना चाहिए कि रूट का प्लस कब होता है माइनस कब होता है, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन ही होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, पर इस बाहर वाले माइनस की वजह से क्या आ जाएगा माइनस का वन। अब आप देखेंगे ये माइनस और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ये टू प्लस रूट टू और ये माइनस वन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, और जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर सेम टू सेम रह जाएगा, ये टू प्लस रूट टू और ये लास्ट वाला रूट टू, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू प्लस रूट टू एंड रूट टू, रूट टू एंड रूट टू कितना बन जाता है टू रूट टू, ठीक है। तो ये माइनस का टू एंड प्लस का टू तो आपस में कट जाएंगे, पर हमारे पास क्या बच जाएगा
हमारे पास बच जाएगा टू रूट टू, ठीक है, पी माइनस वन की वैल्यू बच गई टू रूट टू, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये जीरो के बराबर आता है तो ये हमारा जी एक्स जो होगा वो पी एक्स का फैक्टर बन जाएगा, पर यहां पे जो है जीरो के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लिखेंगे कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, यानी कि जो हमारा जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है, ठीक है। और यही चीज आपको हिंदी में लिखनी है, तो आप लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू का गुणनखंड नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल वही है, बस हर बार आपको पुट करना है, जीरो आता है तो फैक्टर है, जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। आपने देखा एक बार जीरो आया तो हमने लिखा था फैक्टर है, इस बार जीरो नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है। आप इसी की तरह आप इसके ये सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो अभी हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू, आज हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद जो हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से जुड़ा हुआ है जो कि है फैक्टराइजेशन, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। इसमें भी मैं आपको जैसे तीन पार्ट हैं, एक पार्ट आपको करा रहा हूं, बाकी दो पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, होते तो अच्छी बात है, नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे, ठीक है। आपके ट्राई करने के लिए मैं दो पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यूज द फैक्टर थ्योरम। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि हमें फैक्टर थ्योरम यूज करना है, इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो हम दूसरा तरीका नहीं लगा सकते, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि इसमें चेक करना है कि जी एक्स जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है जी एक्स और ये दे रखा है पी एक्स, कि ये जी एक्स जो है इस पी एक्स के लिए इसका फैक्टर है या नहीं है, और हमें ये बात किससे पता लगानी है, फैक्टर थ्योरम से। तो साफ साफ फैक्टर थ्योरम के बारे में बोल दिया तो हम फैक्टर थ्योरम ही लगाएंगे, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, बाकी दो पार्ट आप खुद कर लेना। इसमें आपको पी एक्स दे रखा है जैसे कि, तो मैं रवि कर देता हूं, उसको रब कर देता हूं, यहां पर आपका पी एक्स लिखा ही हुआ है एंड जी एक्स भी लिखा ही हुआ है एक्स प्लस वन, और मैंने आपको लिखवाया था कि फैक्टर थ्योरम को कैसे करते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, पी पी ए इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था हमारे फैक्टर थ्योरम में, कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो p a की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो हमें यहां पे क्या चेक करना है, हमें यही चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो अगर मैं इसमें से a वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा और अगर जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये जो है इसका इस पी एक्स का फैक्टर है। तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर जी एक्स को कंपेयर कर लेते हैं एक्स माइनस ए से, तो x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स एक्स कट गया माइनस ए इज इक्वल टू वन, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। अब इसी वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है और अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तो ये हमारा जी एक्स जो है इस पी एक्स का फैक्टर बन जाएगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं बनेगा, सिंपल। तो रख दो इसमें p माइनस वन, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां पे माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर, माइनस में माइनस वन और माइनस वन, तो देखेंगे ये आ जाएगा टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर, क्यूब जो होता है माइनस वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, फिर ये माइनस और माइनस प्लस वन और माइनस वन, तो टू को जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, प्लस वन प्लस वन, तो प्लस टू माइनस वन, ये तो कट गए पर बचा क्या, माइनस वन,
जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे देयरफोर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंपल, जीरो के बराबर नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है, अगर जीरो के बराबर आ जाता तो उसका फैक्टर हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाकी दो पार्ट भी करना है, आपको यही लाइनें लिखनी है बिल्कुल सेम टू सेम, हमेशा एक ही वैल्यू निकालनी है, पी एक्स में पुट करना है, अगर जीरो आ जाता है तो वो उसका फैक्टर बन जाएगा, जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर बन जाएगा, और अगर जीरो नहीं आता है तो जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो यही था हमारा आज का टॉपिक फैक्टर थ्योरम, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके मैंने दो इसके दो पार्ट आपको होमवर्क में दिए और इससे पिछले क्वेश्चन के दो पार्ट आपको होमवर्क में दिए। ठीक है, वो आप लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर आपसे होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, वहां से आप अपना टैली कर लेना, चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।